सो हमारा लास्ट टॉपिक है अल्कोहल्स का, पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट. सबसे पहले व्हाट इज पिनाकोल? इट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेनोन. इसको कहते हैं पिनाकोल. और इसमें इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो डाइओल है ये रीअरेंज हो जाता है इनटू अ कीटोन. सो दिस इज अ पिनाकोल और जिसमें ये कन्वर्ट होएगा दैट विल बी पिनाकोलोन. सो दो एच ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल कीटो ग्रुप. नाउ फॉर एग्जांपल, तो इसमें होता क्या है, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल. अगर हम इथिलीन ग्लाइकोल के हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दें बाय मिथाइल ग्रुप, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल. इफ हाइड्रोजन एटम दे आर रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा दैट विल बी पिनाकोल. नेक्स्ट, सो जब भी इस पिनाकोल के अंदर हम एसिड डालेंगे, फॉर एग्जांपल हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो क्या हो जाता है, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है पिनाकोल की. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. तो जैसे ही यहाँ से वाटर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट? सो डबल बॉन्ड आ गया एंड एट द सेम टाइम एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ. यानी कि आप अगर ओवरऑल देखो तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं. वन इज कि यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है. सेकेंड थिंग इज देयर इज शिफ्टिंग ऑफ ए मिथाइल ग्रुप. तो ये है पिनाकोल, ये है पिनाकोलॉन. नेक्स्ट आते हैं, इसके कुछ स्टेप्स की हम बात करते हैं और फिर हम प्रोसीड करेंगे टूवर्ड मैकेनिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म. पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट के टोटल 5 स्टेप हैं. इसमें कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट बनता है. स्टेप नंबर 3 में शिफ्टिंग होती है मिथाइल ग्रुप की एंड दैट स्टेप इज अ रीडिटरमिनिंग स्टेप. सिर्फ वही OH ग्रुप प्रोटोनेट होएगा दैट विल गिव स्टेबल कार्बोकेटाइन. इट इज अ इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस. नेक्स्ट, इसमें कोई भी क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बनता और जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है इट रिटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन. एंड लास्ट में क्या है, हम माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ जो अराइल ग्रुप का होता है दैट इज बेटर देन अल्काइल ग्रुप. तो इन पॉइंट्स को हम मैकेनिज्म के साथ साथ में देखेंगे. सो कमिंग टूवर्ड मैकेनिज्म, सो फर्स्ट थिंग इज इट इज एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म. तो पहले हम स्टेप्स देखते हैं. दिस इज पिनाकोल, हमने एच पॉजिटिव आइन को डाला, दोनों में से कोई OH ग्रुप प्रोटोनेट होएगा. प्रोटोनेट का मतलब दोनों में से कोई एक OH ग्रुप प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, वाटर में कन्वर्ट होएगा, वो वाटर रिमूव होएगा और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. नाउ ओनली दैट OH ग्रुप विल बी प्रोटोनेटेड जिसमें कि हमारे पास क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन. अगर हम पिनाकोल की बात करें तो पिनाकोल में दोनों कार्बन एक जैसे हैं क्योंकि दोनों में साइड्स में मिथाइल ग्रुप अटैच है. तो चाहे ये प्रोटोनेट हो चाहे ये प्रोटोनेट हो, हार्डली मैटर. लेकिन अगर इसी तरह की रीअरेंजमेंट हुई जिसमें कि ये ग्रुप चेंज हो, जैसे कि आगे हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, अगर वहाँ पे ग्रुप्स डिफरेंट है तो वो वाला OH ग्रुप प्रोटोनेट होएगा जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होएगा. अब स्टेप्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट में 5 स्टेप हैं. इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है. तो सबसे पहले प्रोटोनेट हुआ OH ग्रुप, दोनों एक जैसे हैं, जिसको मर्जी प्रोटोनेट कर दो. OH2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. सो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए. नेक्स्ट में क्या हुआ, वाटर रिमूव हो गया. अब जैसे ही वाटर रिमूव हुआ तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकेटाइन बना. अब इस कार्बोकेटाइन की तरफ बिल्कुल जो नेबरिंग कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा. तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट. तो जैसे ही मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, एक तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, राइट? तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा. तो जैसे ही मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ये इधर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज नेबरिंग कार्बन पे आ गया. नाउ अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन जो है, सो जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3. तो लास्ट स्टेप में क्या है, प्रोटोन विल बी रिमूव्ड और ये किस में कन्वर्ट हो गया, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पिनाकोलॉन. आई रिपीट द स्टेप्स. स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप, कन्वर्शन ऑफ OH इनटू OH2. नेक्स्ट स्टेप डिहाइड्रेशन, और वो स्टेप नंबर 3
जिसमें मिथाइल ग्रुप नेबरिंग कार्बन से शिफ्ट होता है, दैट इज अ रेट डिटर्मिंग स्टेप, राइट। इसका मतलब पूरे रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इस स्टेप पे। जब तक मिथाइल शिफ्ट नहीं होएगा ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता। तो जैसे ही मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज नेबरिंग कार्बन पे आ गया, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, बट जैसे ही ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से 3 होती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के, यानी कि हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड एज एच पॉजिटिव। नाउ अब अगेन दिस इज एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म, 5 steps इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायनेज इंटरमीडिएट। स्टेप नंबर 3 इन्वॉल्विंग शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप इज अ रीडिटर्मिंग स्टेप, ओनली दैट ओ एच ग्रुप विल बी प्रोटोनेटेड। अब यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगी, बिकॉज बोथ ओ एच ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट, तो कौन सा प्रोटोनेट होएगा, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं एक और एग्जाम्पल उठाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो दोनों कार्बन के अराउंड ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये ओ एच प्रोटोनेट होएगा या ये ओ एच प्रोटोनेट होएगा। अगर ये ओ एच प्रोटोनेट होता है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, अगर ये ओ एच प्रोटोनेट होता है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। नाउ सी दिस रिएक्शन, इस केस में जब हम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, यानी कि इसमें जैसे ही हम एसिड डालेंगे तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। पहली पॉसिबिलिटी वो है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आया, यानी कि कार्बन कैरिंग फिनाइल ग्रुप्स, और दूसरी पॉसिबिलिटी में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सी यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस का मतलब ये कार्बोकैटायन नहीं बनता। ये कार्बोकैटायन क्यों नहीं बनता, बिकॉज इस केस में क्या है कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे है जिसपे सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप हैं, जिनका सिर्फ कौन सा इफेक्ट है, प्लस सा इफेक्ट। लेकिन ये वो कार्बोकैटायन बनेगा जिसमें 2-2 फिनाइल ग्रुप हैं, फिनाइल ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट होएगा, ऑब्वियसली रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब ये होएगा कि अगर ये जो फिनाइल ग्रुप्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के इस तरह से रेजोनेट हो जाएगा, और वी कैन से डीलोकलाइज हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो ये जो कार्बोकैटायन है इसमें पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने का ज्यादा हमारे पास वेज है, क्योंकि 2-2 फिनाइल ग्रुप हैं। और अगर ये कार्बोकैटायन बनता है तो उस केस में क्या है, सिर्फ इनका प्लस आर इफेक्ट है। सो वी कैन से दैट प्लस आर इफेक्ट जो होगा रेजोनेंस इफेक्ट है, दैट विल डोमिनेट ओवर प्लस आई इफेक्ट। इसीलिए ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा और फिर मिथाइल शिफ्ट होएगा इस तरफ, और जो नेबरिंग कार्बन है देन अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो होएगा और ये बन जाएगा हमारा एक कीटोन, राइट। नेक्स्ट हमने बोला था दैट दिस स्टेप इट इज अ इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस। इंट्रा मॉलिकुलर के साथ ही हम टर्म यूज करते हैं दैट नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस क्या होता है, सी दिस रिएक्शन, जैसे कि ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा था, अब जैसे ही ये मिथाइल इस तरफ आएगा, जैसे ही ये इस कार्बन का हाथ छोड़ेगा, एट द सेम पॉइंट ये इस कार्बन का हाथ पकड़ना शुरू कर देगा, यानी कि इन दोनों की तरफ हमने ये डॉटेड बॉन्ड बनाए हैं, राइट। सो यू कैन इमेजिन कि इसने इधर से हाथ पकड़ा है, इससे पहले कि इस बॉन्ड को तोड़े अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाए, एट द सेम टाइम इसने इसका हाथ इधर पकड़ना शुरू कर दिया, यानी कि इस तरह बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल क्या है कि मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कभी भी हवा में नहीं जा रहा, हवा में मतलब इट इज नेवर फ्री, इट इज अ इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस, राइट। इंट्रा मॉलिकुलर एफर्ट्स की मॉलिक्यूल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होएगा, यहाँ पे बॉन्ड मेक होएगा, उसके आगे तो हमें पता है कि मैकेनिज्म में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये इस तरह प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट द माइग्रेटिंग ग्रुप रिटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो माइग्रेटिंग ग्रुप है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा रिटेन करके रहेगी, बिकॉज क्या है ये मूव नहीं कर रहा, ये कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये अल्कोहल इस तरह की अल्कोहल होती दैट वी कैन से कि ये आर है, तो रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, अगर वो आर है तो वो आर में ही कन्वर्ट होएगा। अब हम आते हैं टुवर्ड दिस पॉइंट कि हमने एक टर्म यूज की थी कि नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि सपोज करो कि आपने एक बीकर में ये दोनों पिनाकोल लिए हैं, एक वो पिनाकोल है जिसमें चारों मिथाइल ग्रुप है, एक वो पिनाकोल है जिसमें चारों फिनाइल ग्रुप है। तो जस्ट इमेजिन कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपने लिया है, आप इसमें एसिड डालते हो। सो व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट, क्योंकि हमने बोला
कि जब ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होते हैं तो एट द सेम टाइम ये इधर अपनी टर्म सेट करनी शुरू कर देते हैं। सेम स्टोरी होगी कि जब इधर से कोई फिनाइल ग्रुप इसके पास आएगा तो क्या है, वो भी इधर बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। सपोज करो कि अगर ये दोनों कार्बन जो इसको शिफ्ट करने हैं, अगर ये इसका हाथ पकड़ के ना रखें एट द सेम टाइम, तो ये फिनाइल ग्रुप मूव करके उसी बीकर में यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और ये मिथाइल ग्रुप इधर भी आ सकता है, राइट? इसका मतलब क्या है, जब हम इन रिएक्शंस को करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो पिनाकोल से पिनाकोलोन है ना, उसमें कहीं पे भी इधर फिनाइल ग्रुप नहीं है। दैट मीन्स ये फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होके इधर नहीं आता और ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होके इधर नहीं आता। इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर, यानी कि हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करेंगे। रेदर देन दिस इज अ इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस, तो घर के अंदर ही है, दिस इज इंट्रा मॉलिकुलर, दिस इज इंट्रा मॉलिकुलर। अगर ये शिफ्ट होके वी कैन से क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बनाते तो हम कहते हैं दिस इज इंटर मॉलिकुलर रेदर देन इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस। तो ये मतलब है नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। और उसके बाद एक टर्म है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप्स। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे उसने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स लिखे हों तो आपने उसको किस तरह से देखना है। अगर यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लिखे हों तो यू विल सी कि जो पैरा क्लोरोफिनाइल, यानी कि सपोज करो हमारे पास फिनाइल ग्रुप है और पैरा क्लोरोफिनाइल है एक ही कार्बन पे। जस्ट इमेजिन कि ये दो ग्रुप्स अटैच है, एक है पैरा क्लोरोफिनाइल और एक है फिनाइल। तो पैरा क्लोरोफिनाइल का माइग्रेशन होने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू फिनाइल। इट हैज लेस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन पैराटोलाइल, इट हैज लेस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन पैरा मिथॉक्सीफिनाइल। तो हमें ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि अगर ये वाले ग्रुप अटैच हैं तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है, लेट्स से कि ये मिथॉक्सीफिनाइल का है, राइट? फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में देखो, ये पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है। तो हमने देखा है कि सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है, पैरा मिथॉक्सी फिनाइल का। तो जब यहाँ पे कार्बोकोटाइन बनेगा तो जब दो अलग ग्रुप हों, क्योंकि अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए हैं उसमें सेम सेम ग्रुप आ रहे हैं, बट अगर अलग अलग ग्रुप हों तो हमें ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि सबसे कम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है, पैरा क्लोरोफिनाइल का, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद पैरा टोलाइल, उसके बाद पैरा मिथॉक्सीफिनाइल। सो दैट्स ऑल अबाउट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।